देखिए कैपेसिटी अलहमदुल्ला हम 300 बच्चों की कैपेसिटी हमारे पास है। इस इलाके में ओखला में इतना बड़ा कैंपस किसी के पास नहीं। जो हिजाब में बच्चे आना चाहते हैं हिजाब में आए, जो पर्दा करके आना चाहती है पर्दे में आए, जो बुरके मारना चाहती है बच्ची बुरके में आए। जैसे आपको 100% स्कॉलरशिप भी हम बच्चों को दे रहे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम अलहमदुल्ला स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसी तरह फिर इंग्लिश को क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां दूसरी क्लास में छोटी क्लास में बड़ी क्लासेस में है लेकिन इंग्लिश उनकी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उनके लिए भी हम अलहमदुल्ला क्लासेस शुरू कर रहे हैं। देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। हिंदुस्तान में जब तालीम की बात होती है तो खास तौर से मुसलमानों में ये चर्चा बहुत ज़्यादा पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ बहुत हो रही है, और बच्चियों की तालीम को लेकर के मुसलमानों में जो इस वक्त एक फिक्रमंदी है वो भी देखी जा रही है। इसी यही वजह है कि आप देखते होंगे कि जगह जगह बच्चियों के पढ़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं, हालांकि भी बहुत कम है लेकिन फिर भी तेजी के साथ मुसलमानों ने इस पर स्टेप लिया है। हम जामिया नगर में रहते हैं, जामिया नगर में बहुत तरह के एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर काम कर रहे हैं, अकेडमीज काम कर रही हैं। मैं इस वक्त हिंदू अकेडमी के जो बटला हाउस का जो सेंटर है उनका है इस्लाम मस्जिद के पास उसमें हूं, और यहां पर स्पेशली तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए द हिंदू अकेडमी ने इसको बनाया है और यहाँ पर उनको नीट IIT JEE की ट्रेनिंग दी जा रही है। 9th क्लास से उनका एडमिशन होता है। अलग अलग तरह से जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ना चाहती हैं यहाँ हॉस्टल की सुविधा दी गई है। मेरे साथ जो फ्रेम में बैठे हुए हैं मारूफ साहब हैं और इस सेंटर के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। मैं इनसे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने यहाँ पर अब तक क्या दिया है और क्या देना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पर सेंटर बनाया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, आप सबसे पहले तो बताइए कि नीड क्या थी यहाँ पर सेंटर बनाने की, कि दैनगुरु अकेडमी D6 में चल रहा था, रेडियंस में बिल्डिंग में आपका एक सेंटर चल रहा था, आप अल इस्लाम मस्जिद लेकर के आए, क्या मकसद? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर तो कई साल से चल रहा है, बच्चे भी माशाल्लाह से काफी अच्छे हैं हमारे वहाँ पास, लेकिन एक जरूरत थी और जरूरत सिर्फ यही नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी जरूरत है और खासतौर से बच्चियों की तालीम की। जी, उसका मसला सबसे बड़ा क्या है कि आज के दौर में हम सब लोग इवन तमाम मुसलमान ये तो शिकायत तो करते हैं कि हमारे बच्चों से हिजाब के मसले हैं, हमारे बच्चों से पर्दे का मसला है, हमारी बच्ची को डॉक्टर बनना है लेकिन बाहर जब जाती है तो उसको ना पर्दे में रहने दिया जाता है, और इस तरह के इश्यूज रोज रोज क्रिएट हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में अगर बच्चे नमाज पढ़ ले तो वो दूसरे बच्चे उनका जो है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे में हम सिर्फ बातें तो करते हैं जी कि जी वो लोग रोक रहे हैं, लेकिन हम आज तक ये इंतजाम नहीं कर पाए कि अगर हम वहां ना जाए तो फिर कहाँ जाए। उसके लिए ये सेंटर की बहुत जरूरत थी कि बच्चियों के लिए खासतौर से ऐसा इदारा हो जहां पे सिर्फ बच्चियां ही पढ़ें तो वो अपने कंफर्ट के साथ आए, जो हिजाब में बच्चे आना चाहते हैं हिजाब में आए, जो पर्दा करके आना चाहती है पर्दे में आए, जो बुरके मारना चाहती है बच्ची बुरके में आए, जैसे वो आना चाहती है वह अपने कंफर्ट से आए, सारा स्टाफ फीमेल हो तो बच्चे आराम से पढ़ाई करे, अपनी तालीम हासिल करे और सुकून से, जो जब दूसरे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो वो बच्ची पर्दे या हिजाब में रह करके वो भी डॉक्टर बन सकती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो इस सेंटर में आपने उनके लिए क्या प्रोवाइड कर रखा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर रेजिडेंशियल भी है और बाहर के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस भी इसमें अवेलेबल है। अभी फिलहाल हमारे पास जो बैच चल रहे हैं वो 9th क्लास से लेकर 12th तक के चल रहे हैं और 12th पास बच्चों के लिए नीट ड्रॉपर्स का एक बैच चल रहा है प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी हम छोटी क्लासेस का भी अब शुरू कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि हम ज्यादातर सिर्फ बच्चियों के लिए डिजाइंड है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसमें तमाम चीजें बच्चियां हैं, हॉस्टल में पूरा ओवरऑल स्टाफ खाना बनाने वालों से लेकर के उनके गार्डियन से लेकर के एज अ वार्डन भी उनकी फीमेल है, मतलब ओवरऑल स्टाफ जो है फीमेल्स है, जेंट्स की इवन मैं खुद भी हॉस्टल में नहीं जाता हूँ। तो जब हमारा कोई भी जेंट्स स्टाफ वहां नहीं जाता है, बच्चों के लिए फुली सेफ एंड सिक्योर है। बाहर जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए पूरा रेजिडेंसी कैंपस है, खाना पीना लॉन्ड्री तमाम इंतजाम उनके इन हाउस सब कुछ अंदर ही उनके लिए अवेलेबल है, ताकि यहाँ पे बच्चों का काम सिर्फ पढ़ाई का रहे, किसी और चीज की उनको टेंशन ना रहे। अच्छी बात, पढ़ने आए हैं बच्चे, उन्हें पढ़ना है और उन्हें नतीजे हासिल करने हैं, नतीजे लाने हैं, जो नतीजे उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, आपकी अकेडमी आगे बढ़ेगी, उनका करियर आगे बढ़ेगा। ये बताइए कि एकेडमिक्स में आपने किस तरह के टीचर्स का ट्रेनर्स का इंतजाम किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं और आप चूंकि गवाह हैं इस चीज के कि ऑलरेडी हिंदू एकेडमी 4 साल से वहां पे जी चल रहा है और हमने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट दिए, जिसमें से हमारे एक बच्चे ने 706 का स्कोर नीट में किया, दूसरी बच्चे ने IIT दिल्ली क्वालिफाई किया। तो तमाम टीचर्स MSc MEd लेवल के टीचर्स हैं हमारे पास। कुछ PhD क्या कैपेसिटी आपकी है आने वाले दिनों में? देखिए कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 बच्चों की कैपेसिटी हमारे पास है।
इस इलाके में ओखला में इतना बड़ा कैंपस किसी के पास नहीं है, और वो भी खास तौर से बच्चियों के लिए बिल्कुल नहीं है। और पूरी बिल्डिंग अलहमदुल्ला हमारे पास है, और एक साथ 6 क्लासरूम्स एक फ्लोर पे हैं, तो और पूरी बिल्डिंग हमारे पास है, तो हम बड़े क्लासरूम्स आराम से इसमें करा सकते हैं। इस तरह हमारे यहाँ जो है टीचर्स सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक अवेलेबल है। अगर बच्चे की क्लास 3 घंटे की 4 घंटे की बच्चे क्लासेस है, उसके बाद उसका पूरा दिन अवेलेबल है कि वो टीचर्स के पास बैठे 1-to-1 डिस्कस करे, कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, कुछ छूट गया है, वो सब चीजों को वो कवर करे आकर। नीट के जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं उनके उनके बेस पे हमारा प्रॉपर अपना खुद का करिकुलम है, हम अपने खुद के मॉड्यूल्स देते हैं, अपना खुद का सिलेबस देते हैं, अपने खुद की डीपीपीज देते हैं, ताकि हमने उसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि बच्चे को सिर्फ वो पढ़ ये नहीं पढ़े सब कुछ पढ़ा जा रहा है, जो स्पेसिफिक जो पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट वाइज वो हमने खुद डिजाइन किया हुआ है और हमारा अपना करिकुलम उसमें चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मारूफ खान साहब जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो एकेडमी का ये सेंटर है बच्चियों के लिए वो किस तरह से काम कर रहा है। हमने इस मौके पर बच्चियों से मुलाकात की है, उनके सेंटर उनकी क्लासेस को भी विजिट किया है, टीचर्स से भी बात की है, तो आइए हम कुछ टीचर्स से मुलाकात कराते हैं। मेरा नाम जुबैर आलम है। नीट के जो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन हैं उनके लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि बच्चे को फिजिक्स कोर्स लेवल पर लेके आए ताकि वो ओरल करने लगे। है मैं एज ए पेरेंट भी यहाँ पर हूँ, मीन्स मेरी एक बच्ची है जो IIT की तैयारी कर रही है, प्लस उसने बायो भी लिया हुआ है, तो मैं तो सिर्फ एडमिशन के लिए यहाँ पर आया था, बट मैं खुद इम्प्रेस हुआ आकर और चेक किया कि यहाँ पे वाकई में इस लायक है कि इस पूरे एरिया में, अदरवाइज आप साउथ एक्स जाइए, तो साउथ एक्स को रिप्लेस करने लायक ये इंस्टीट्यूट है। यानी जो स्टूडेंट मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बच्चियों का जो अटेंशन होता है ना वो ज़्यादा होता है, उनकी मेमोरी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो इनका फोकस अच्छा होता है क्योंकि ये उस पर वो बातों को फॉलो ज़्यादा करती है, इनका डिस्ट्रैक्शन इनके रिस्पेक्ट में कम ओबीडियंट ज़्यादा होती है, ओबीडियंसी होती है, फोकस बोल रहे हैं आप, डिवोशन इनमें होता है। रीज़न यही है कि हर सेक्शन में गर्ल्स का जो परसेंटेज सक्सेस का रेशियो है वो बढ़ा है। इसमें खास बात मैं आपके लिए कर दूं कि हम जो बच्चियां AWS कैटेगरी की हैं, जो फाइनेंशियल जिनका बैरियर है, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इवन अप टू 100% स्कॉलरशिप भी हम बच्चों को दे रहे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसी तरह फिर इंग्लिश कोच क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां दूसरी क्लास में, छोटी क्लास में, बड़ी क्लासेस में है लेकिन इंग्लिश उनकी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उनके लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दो बातें इन्होंने और बड़ी अहम बताई कि इंग्लिश स्पोकन और खासतौर से EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं और पढ़ना चाहते हैं, टैलेंट है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए 100% तक की फैसिलिटी है इनको स्कॉलरशिप की। तो जो भी जामिया नगर में जो लोग रहते हैं और जामिया नगर में नहीं भी रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हॉस्टल की सुविधा है तो अपनी बच्चियों को यहाँ पर हॉस्टल में ला करके रख सकते हैं और एक अच्छी तैयारी नीट JEE की और उनके आने वाले दिनों के करियर की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।